नमस्कार दोस्तों, यात्रा काट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रिया, आज हम बात करने जा रहे हैं जूशर मशीन के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम जैसे जानने जा रहे हैं जूशर मशीन के बारे में। जूशर मशीन बहुत सारा टाइप का होता है। आज हमारे पास फ्रूट जूशर मशीन है। फ्रूट जूशर छोड़ के भी वेजिटेबल जूशर ये सारा भी होता है, जो हमारे वेबसाइट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज जो है ये सारा मैनुअल जूशर है। ये सारे मॉडल ही आपको मोटराइज में भी अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास आज 40 नंबर का है, 30 नंबर का है एंड 22 नंबर का है। तो चलिए मशीन के बारे में और अच्छी तरीके से थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला मशीन है, ये 40 नंबर का है। इसका अगर ऊपर का कैपेसिटी आप सोचेंगे तो ये 6 इंच का हो जाएगा। ये पूरा आपका हेवी स्टेनलेस स्टील मॉडल का आता है, जो फूड ग्रेडेड होता है 304 वाला। ये जो है आपका नंबर 30 का है, इसका जो ऊपर का कैपेसिटी होता है ये 5 इंच का होता है। ये भी स्टेनलेस स्टील में आपको मिल जाएगा अवेलेबल। ये जो है ये नंबर 22 का है, जिसका ऊपर का आपका कैपेसिटी हो जाएगा 4 इंच का। ये भी आपका स्टेनलेस स्टील का ही होगा। ये सारा मॉडल आपको 0.25 HP मोटर में अवेलेबल मिल जाएगा, अगर आप ऑटोमेटिक में चाहते हैं तो। इसके अलावा भी हमारे पास नंबर 50 का, नंबर 80 एंड एक्सेट्रा आपका अवेलेबल है। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये जो सारे जूसर्स है ये परफेक्ट होता है कमर्शियल यूज़ के लिए भी, क्योंकि कोई भी तरह का फ्रूट्स जो है इसमें आराम से आपका जूस निकाल देता है। और अभी जो है हर एक पर्सन हेल्दी कुछ खाना खाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये जो जूसर्स है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप आँखों के सामने ही कस्टमर्स का जूस निकाल के दे सकते हैं। जूस हिसाब से बिकेगा भी बहुत ज़्यादा, और लगभग पर डे आपका 2000 तक इनकम हो ही जाएगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं मशीन से जूस आप कैसे निकाल सकते हैं। हम मैनुअली आज करके दिखेंगे। अगर आप मोटराइज लेते हैं तो आपको पता ही है, स्विच ऑन करके आप इजीली कर सकते हैं। आज हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, हमारे पास आज आपका वाटरमेलन है, आपका संतरा है एंड आपका अंगूर है। तो चलिए आज हम सबसे पहले जो संतरा है इसका जूस निकाल के देखते हैं। आपको अपने हिसाब से जो भी फ्रूट्स आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। तो देख लीजिए कितना अच्छा जूस निकल गया है। तो चलिए अभी जो ये तरबूज है इसका जूस हम निकाल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं तरबूज का भी जूस कितना अच्छा निकल गया है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यही तक। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।